नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो वाइसल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबसाइट पे डिस्प्ले करता हूँ और उसी का थ्रू मैं व्यू देता हूँ, रेगुलर व्यू देता हूँ फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और फिर वेबसाइट पे, और उसी को मैंने फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने कुछ नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया हूँ, उसी को पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू लो, ओपन इक्वल्स टू लो, ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 30 मिनट, 45 मिनट और 1 आवर का हिसाब से, और प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट तो पहले ही था और जो पहले था उसमें तो है ही जो एलिमेंट पहले तो पहले से था, तो उसी का तो ये सब चीज़ आप लोगों को लाइव मार्केट में भी अच्छा मिलेगा, ये सब लाइव मार्केट में मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड होगा तो इसको लाइव मार्केट आप लोग देख सकते हैं, मिल जाएगा आप लोग को, अपडेटेड मिल जाएगा। तो पहले स्क्रीन कर लेते हैं एक बार, जैसे क्वालिटी 1 को करते हैं, 2 को कर लेते हैं, 3 को भी कर लिया, 5 पूरा करने का ज़रूरत नहीं है, कम हो जाएगा। और LTP को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। और ये मैं क्रॉसओवर कर लेते हैं, बोलिंजर मिडिल बैंड हो चुका है, अपर बैंड करने का ज़रूरत नहीं है। एमसीटी है पॉजिटिव, RSI को कर लिया, स्टोकास्टिक करने का ज़रूरत नहीं है। नैरो रेंज पॉसिबल ब्रेकआउट देख लेते हैं, नैरो रेंज पॉसिबल ब्रेकआउट है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका 90% का नीचे, ये देखिए 90% लेस देन 90%, तो इसको नैरो रेंज में ये पकड़ सकते हैं हम लोग, जो नैरो रेंज में हो रहा है। और देखिए इन रिलेटिव का पोजिशन इंटरडे का हिसाब से, एवरेज 5 डे का हिसाब से, 15 डे का हिसाब से, सभी बाई साइड R1 के लिए पिवट पॉइंट भी पकड़ सकता है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी पकड़ सकता है 5, 15, 30 का। और ट्रीटमेंट का इतना ज़रूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। लास्ट डे P2 का कर लेते हैं, मतलब प्राइस चेंज लास्ट डे का हिसाब से, यहाँ छोड़ देते हैं, लास्ट डे का हिसाब से कर लेते हैं, वॉल्यूम भी लास्ट डे का हिसाब से कर लेते हैं। और चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट करने का जरूरत इतना नहीं है, सभी समय इसका भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए ये स्टॉक्स, और इसका बाय सेल लेवल लॉक कर ले सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होगा तो उसको ये सब भी लाइव मार्केट पर मिलेगा 3-4 बार। टाइम शायद नहीं होगा, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ चार्ट में दिखाने के लिए।